सो हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ एवरीथिंग अबाउट विस्टाडोम कोचेस एंड माई रीसेंट एक्सपीरियंस इन ट्रैवलिंग वन ऑफ दोज। जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए विस्टाडोम कोचेस स्पेशल टाइप की बुगीज हैं जो इंडियन रेलवेज ने इंट्रोड्यूस किया है किसी किसी ट्रेन में, जो ट्रेन एक टूरिस्ट स्पॉट को दूसरे टूरिस्ट स्पॉट से कनेक्ट करती है और जिनके रास्ते में बहुत ज़्यादा सीनिक व्यू आता है। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी लिस्ट ऑफ द ट्रेन जिनमें विस्टाडोम कोचेस प्रेजेंटली है। विस्टाडोम कोचेस से तीन चीज़ें हैं जो फुलफिल होती हैं। पॉइंट नंबर वन, एक अफोर्डेबल बजट में पैसेंजर्स को लग्जीरियस एक्सपीरियंस दिया जाए। पॉइंट नंबर टू, सो दैट पैसेंजर्स कैन एंजॉय द सीनिक व्यू ट्रेन में ट्रैवल करते हुए। एंड पॉइंट नंबर थ्री एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज टू बूस्ट अप द टूरिज्म। टूरिज्म को बूस्ट अप करने के लिए ये बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया है। मैं अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। रिसेंटली हमें ट्रैवल करना था मुंबई से पुणे, तो जब हम टिकट्स बुक कर रहे थे उस टाइम पे वी गॉट टू नो कि देर इज़ अ ट्रेन नेम्ड डेक्कन क्वीन जिसमें विस्टाडोम कोचेज अवेलेबल है। इट वॉज सूटेबल टू आर टाइम, तो हमने डिसाइड किया लेट्स एक्सपीरियंस दिस, बिकॉज हमेशा नए नए एक्सपीरियंस करना ये आपका पर्सनालिटी थोड़ा एनरिच करता है। इट हेल्प्स इन ग्रूमिंग अप योर पर्सनालिटी। कुछ चीज़ें हैं विस्टाडोम कोचेज के बारे में जो बहुत बहुत अच्छी हैं और वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। सबसे पॉइंट नंबर वन, द क्लासी लुक ऑफ द बोगी। एज सून एज जैसे ही आप कोच में एंटर करते हैं आपको इतनी अच्छी फील आने लग जाती है। यू फील यू आर एंटरिंग अ फ्लाइट ट्रैवल करने के लिए और ये एंटिसिपेशन होने लग जाता है कि ये जर्नी तो अच्छी होने ही वाली है। पॉइंट नंबर टू, विस्टाडोम कोचेस में आपके जो लगेज एरियाज हैं वो सेपरेट हैं, तो आप अपने बैग्स वगैरह को, बड़े बैग्स को सबको लगेज एरिया में अरेंज कर सकते हैं और जर्नी एंजॉय कर सकते हैं। पॉइंट नंबर थ्री, द बिग विंडोज जो विस्टाडोम की खिड़कियां हैं, ग्लासेस की ये क्लीन ग्लासेस हैं और वो काफ़ी वाइड है, काफ़ी चौड़ी है जिससे पैनोरमिक व्यू मिलता है पूरे एरिया का। जहाँ से भी ट्रेन पास कर रही है वहाँ का काफ़ी वाइड व्यू मिलता है, विच इज़ वेरी गुड टू एंजॉय, कैप्चर वीडियो फोटोज सब लेने के लिए इट इज़ ऑसम। नंबर फोर, द सीट्स आर सुपर कम्फी, बहुत ज़्यादा आपको बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। सीट्स रोटेट होती हैं 180 डिग्री, तो चाहे आपकी विंडो है चाहे आयल है आप सीट रोटेट कीजिए एंड यू कैन सिट राइट इन फ्रंट ऑफ द ग्लास विंडो एंड आपको ऐसे लगेगा आप शायद सीनिक जो जर्नी है, जो सीनरी है, आप सीधे उनके सामने सीनरी के सामने बैठे हुए हैं और जितने भी सीन्स हैं वो आपकी आंखों से इतने आंखों के लिटरली आगे से निकल के जा रहे हैं, ऐसा फील आता है। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द वाइड विंडोज एंड द रोटेबल सीट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज जो मुझे सबसे अच्छा लगा विस्टाडोम पे, दैट इज ऑब्जर्वेशन डेक। ऑब्जर्वेशन डेक ऐसी जगह है जहाँ पे आजकल के हिसाब से बहुत ज़्यादा रील्स कंटेंट फोटो सब चीज़ें क्रिएट की जा सकती हैं। दैट्स अ स्पेस, अगर आप बैठे बैठे थक गए हैं तो आप उठ के ऑब्जर्वेशन डेक पे जा सकते हैं और वहाँ से आराम से खड़े होके जर्नी एंजॉय कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन डेक में तीन तरफ से विंडोज हैं, ग्लास विंडोज हैं जिससे जर्नी का पूरा वाइड व्यू आप एंजॉय कर सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट part about Vistadome coaches. Next point is the glass roof. जिन लोगों को travel करते time बादल scenery ये सब बादल वगैरह देखना बहुत अच्छा लगता है उनके लिए this is the best thing, क्योंकि Vistadome coaches में जो roof है उसमें glasses लगे हैं, जिनको बादलों से प्यार है वो पूरी journey में बादल enjoy करते हुए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट would be it has a pantry. पैंट्री में आपको lighter snacks मिल जाते हैं जैसे सैंडविच, कॉफ़ी, टी, कटलेट, ये सारी चीज़ें ईजिली मिल जाती है। बट द पॉइंट इज इट इज़ सेपरेटली चार्जेबल, बट द पॉइंट इज इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रेन फेयर। द नेक्स्ट वेरी गुड पॉइंट
about Mr. Doom coach is it has a completely perfect footrest. Other than the footrest, armrest bhi hai, and armrest mein there is a hidden table as well. वो टेबल को आप ओपन कर सकते हैं एज पर योर नीड. यू कैन क्लोज इट डाउन ऑल्सो एज पर योर नीड. देयर इज वन मोर पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू ऐड. जब डेक्कन क्वीन व्हेन इट मूव्स फ्रॉम मुंबई टू पुणे, विस्टाडोम कोच है उसके ठीक आगे इंजन लगता है, तो एक ग्लास जो आपका वाइडर ग्लास है वो ऑक्यूपाई हो जाता है. दो ऑब्जर्वेशन डेक में देयर आर टू मोर ग्लासेस ऑन द साइड वेज जहाँ से आप व्यू एंजॉय कर सकते हो, बट जो फ्रंट वाला व्यू है वो इंजन से ऑक्यूपाई हो जाता है. तो अगर आपको बेटर व्यू चाहिए तो आप मुंबई से पुणे में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और पुणे से मुंबई आते टाइम सीनरीज को आते जाते व्यू को पास होते हुए देख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं. यू कैन क्लिक ब्यूटिफुल पिक्चर्स, यू कैन मेक ब्यूटिफुल रील्स. List of the train as per your convenience, as per your wish, you can book there. Overall, it was a very good experience, memorable. Bahut sare maine pictures liye, videos record. It was a scenic journey, I would say. Everybody was enjoying. All of them were video calling. Har koi apne ghar pe video call kar raha tha. CC, I'm traveling in Vistadun. Sabka excitement that was creating a happy environment, happy vibes. So yes, it was a happy experience. And मैं ज़रूर आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज गो आउट एज पर योर विश एंड कन्वीनियंस, हैव अ विस्टा जर्नी. सो विद दिस आई विल एंड द व्लॉग. इफ यू हैव एनी डाउट्स और एनी क्वेश्चंस टू आस्क, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट व्लॉग. सी या, बाय बाय.